ये आप देख रहे हो हाइट, ये देखो ये देखो, बहुत कट टू कट हाइट है भाई साहब। ये टूटेगा नहीं क्या? ये ब्रिज क्यों टूटेगा भाई? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो भाई। टोटल डिस्टेंस 967 किलोमीटर और एवरेज स्पीड देखो 76 kmph की। 12.5 घंटे ड्राइव की है और 12 की एवरेज दिखा रही है, 12 की ही दी है इसने जब हमने बीच में फुल कराया था पेट्रोल डीजल। जाएंगे अब अटल ब्रिज। हाँ भैया लगेज है। कहाँ घूम के आए हो फिर? जलेबी खा लेते हैं। इधर अपनी गाड़ी। ये कुछ रूम है अपना। अरे बढ़िया, अंधेरा हो रखा है रूम में। लाइट वाइट ऑन करो। और इतनी लाइट से क्या काम चलेगा? ये बेड है भाई। बाथरूम अच्छा है, बाथरूम इज नाइस बिग। ठीक है रूम। बाकी लाइट चाहिए होगी भाई, लाइट हुआ ना भाई रूम लाइट वाइट ऑन करके। सही है रूम, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक रूम है। बाकी इतना बड़ा ग्लास। चलो अब थोड़ा सा आराम करेंगे फिर चलेंगे अटल सेतु। अटल सेतु नहीं यार, अटल ब्रिज। चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई हो गया अपना आराम, 7 बज गए। 15-20 मिनट का आराम चाहिए होता है अपने को 1000 किलोमीटर ड्राइव के बाद भी। बस मुंह धोया, एक एक चाय पी और अब चलते हैं। अहमदाबाद आए तो भाई अटल ब्रिज ज़रूर देखना है आपने, वरना आपका अहमदाबाद आना सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। तो चलते हैं फिलहाल। चलो, मम्मी पापा ऑलरेडी फ्लाइट से आ गए थे सुबह, तो अब चलते हैं सारे अटल ब्रिज। और कल भाई यहाँ से निकलेंगे द्वारकाधीश के लिए। बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। लास्ट ईयर ब्रेजा में करी थी ये, और इस बार अपनी स्कॉर्पियो एन में करेंगे और कृष्ण जी के दर्शन करेंगे। फिर नागेश्वर धाम जाना है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के। तो मज़ा आने वाला है नेक्स्ट 4 दिन। आ जाओ भाई। फिलहाल अटल ब्रिज जा रहे हैं, यहाँ से है 1 किलोमीटर बस। हल्का फुल्का ट्रैफिक तो रहता ही है, खैर शाम के टाइम है अहमदाबाद में। अटल टनल तो मनाली में मिलेगी लद्दाख जाते वक्त। अभी अटल ब्रिज से काम चलाओ। मस्त है अहमदाबाद वैसे, गर्मी बहुत है भाई, लेकिन अभी भी 7 बज गए हैं और 40 डिग्री टेम्परेचर है। रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क करके कुछ है। हाँ, यहाँ से राइड जाना है और बस 500 मीटर में टिकट काउंटर। पिकाचू रखा था बस, यहाँ से पहुँच ही गए। ओ तो बस ये सारा वही है, रिवर फ्रंट ही है सारा, लेफ्ट साइड पे बस यहाँ से चले जाओ पूरा। मतलब दूसरी साइड भी ऐसे ही है, इस साइड भी ये, पर इस साइड ज़्यादा अच्छा है। चलो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है भाई लेफ्ट साइड पे, दिस इज मल्टी लेवल कार पार्किंग, और इसके जस्ट ऑपोजिट में ही टिकट काउंटर है अटल ब्रिज का। और अभी बस लाइटिंग ऑन हो जाएगी क्योंकि शाम का टाइम हो गया, तो मज़ा आएगा देखने में। एंट्री ओनली। अरे अपनी गाड़ी ना भिड़ जाए ऊपर। ये प्रभु, ये टेंशन लगी रहती है मुझे। ओ ओ भाई साहब, बिल्कुल ही कट टू कट गई है भाई, ये तो भिड़ जाती है अपनी गाड़ी। बहुत ही कम हाइट लगाई हुई है इन्होंने, डिफेंडर तो नहीं आ सकती यहाँ पे। ओके, फर्स्ट फ्लोर पे 115 अवेलेबल है। चलो फर्स्ट पे ले जाएंगे। चलो भाई आप देख रहे हो हाइट, ये देखो ये देखो, बहुत कट टू कट हाइट है भाई साहब। ये तो गलत ही बना रखा है यार, ऊंची गाड़ियों के लिए तो गड़बड़ है ये। चलो लगाता हूँ और फिर चलते हैं। 20 रुपये पार्किंग है भाई 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे से ज़्यादा लगेगा तो और 20 रुपये लगेंगे। ये सामने ब्रिज दिख रहा है। नहीं यार मार्जिन तो है, वैसे ही लग रहा था, बट ठीक ठाक मार्जिन है। चलो अरे बंद हो जा भाई। कहाँ से रास्ता है ये देखना है यार। कह रहे थे भैया यहीं से रास्ता है डायरेक्ट। ये रहा सामने। लो जी
भाई क्या डेवलपमेंट हो रखी है यार अहमदाबाद में, बहुत बढ़िया लगता है गुजरात अपने को, सही सही बताऊँ तो। और अहमदाबाद, खासकर अहमदाबाद और वडोदरा, ये देखो क्या मस्त लग रहा है, किसी से कम है भाई इंडिया। ये डायरेक्ट आ गए, ये आ गए भाई अटल ब्रिज। देखो भाई नीचे मतलब बढ़िया एम्बियंस है यार, मतलब एटमॉस्फेयर एम्बियंस अच्छा रहता है यहाँ। ऑल दो हम लास्ट ईयर भी आए थे बट फिर आ गए, मेन अट्रैक्शन है भाई। बाकी खाने पीने की चीज़ें भी हैं यहाँ पे, स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। बाकी आपको ब्रिज यहाँ से दिखाता हूँ, आधी टिकट लगेगी पूर्व की। चलो ले लो टिकट दिखा दो भैया, 4 हजार आ जाओ भाई, मस्त है ये। स्काई वॉक में मेरे साथ चलना, ये भी स्काई वॉक ही है। देखो क्या बढ़िया लग रहा है, बाकी भाई क्रूज भी चल रही थी लास्ट टाइम तो अभी दिख नहीं रही है मुझे, ये पता नहीं क्या है, फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा। वो रही क्रूज, हाँ नाम ये टूटेगा नहीं क्या, जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, ये ब्रिज क्यों टूटेगा भाई, इतना सॉलिड बनाया है, क्या बढ़िया लग रहा है यार पूरी। देखो थोड़ा इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करता हूँ, अब देखो भाई, आओ जरूर यहाँ अहमदाबाद आ रहे हो तो, बाकी फोन ना गिर जाए मेरा नीचे, मेरी कार ना गिर जाए नीचे। चलो चलते हैं फिर, सॉफ्टी खाएंगे भाई, कॉर्नेटो क्यों खाएंगे, सॉफ्टी का मजा अपना अलग है। और मैं खाऊंगा मैंगो, लाओ जी लुट गए लुट गए। असली सॉफ्टी ये है, असली है ये तो, कॉर्नेटो है ये हार्ड कोन वाली। हाँ भाई वेदर गर्म ज़रूर है लेकिन यहाँ रिवर साइड वॉक करने में मज़ा तो आ रहा है। और यहाँ से आपको ब्रिज का व्यू दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा भाई मज़ा, ये देखो
क्या जबरदस्त लग रहा है। देखो पूर्विक पानी में कितनी अच्छी लग रही है, रिफ्लेक्शन कलरफुल, बहुत ही जबरदस्त। साइकिलिंग भी करते हैं भाई यहाँ तो। जबरदस्त लग रहा है यहाँ से भाई, सीधे पार्किंग में एक्सेस। क्या बढ़िया लग रहा है अहमदाबाद यार, लाइवली है बिल्कुल। वीकेंड पे आओगे तो बहुत ही भीड़ मिलेगी। स्काई वॉक बोल लो, फुट ओवर ब्रिज बोल लो। चलो फोटो चलते हैं। डिजाइन बनाया हेलिक्स जैसा डिजाइन। वो रहा जी अपना टैंक, एक गाड़ी दिखी है भाई गाजियाबाद की, बाकी एक अपनी दिल्ली की और नहीं दिखी, एक पंजाब की दिखी भाई होंडा सिटी, ये रही। कुछ ही बंदे आए हैं। चलो बैठो जी, हो गया कार्यक्रम समाप्त, अब लम लेट हो जाएंगे। चलो जी सोएंगे, और क्या करोगे, टीवी। अच्छा हाँ। चलो बड़ा बचा बचा के लाया हूँ इस सीलिंग से, ये जो ऊपर लगी हुई है बहुत ही कट्टूकट लगी है। Later that night. So, जी, back to the beautiful hotel. अरे गंदा हो गया। अच्छी बात है, चलते हैं भाई डिनर करके आते हैं होटल में ही। क्या हालत हो गई है, हेयर कट का भी टाइम नहीं मिला है, सीधा ऑफिस का काम निपटाया और आ गए। अब चलते हैं डिनर करने होटल में ही, और फिर आराम करेंगे यार। भाई कैमरा उठाया नहीं, बढ़िया खाना था होटल में मस्त, 1000 रुपये में 5 बंदों का अच्छा खासा डिनर हो गया अपना। नॉर्थ इंडियन फूड अच्छा खाना है होटल में, और होटल भी अच्छा है। गुड गुड, सब्जी रोटी खानी होती है। अभी बस अहमदाबाद की सड़कों पे थोड़ी सी वॉक करने आए हैं, वॉक करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में कुछ खास हुआ नहीं होगा, इस वीडियो को एंड कर देते हैं, और कल भाई अहमदाबाद से अपन जाएंगे द्वारकाधीश, तो वीडियो देखना मज़ा आएगा आपको। फिलहाल करते हैं इस वीडियो को एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कल। चलो सी यू, बाय बाय, जय माता दी।